हेलो गाइज, मैं हूँ अमित। गाइज, हमारे घर में जो बिजली के प्लग्स यूज़ होते हैं वो अक्सर 5 या फिर 6 एम्पीयर्स के होते हैं, और जो पावर प्लग्स होते हैं जिनमें हम भारी चीज़ें लगाते हैं जैसे कि हीटर, एसी वगैरह, तो वो जो है 15 या 16 एम्पीयर्स के होते हैं। और भारी प्लग्स की चीज़ें अगर हम छोटे प्लग में लगा देते हैं तो आपको पता ही, छोटे वाले प्लग फूक जाते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना भाई 5 नहीं 15 या 20 भी नहीं, बल्कि अगर एक नेल के थ्रू, एक कील के थ्रू जो है 200 एम्पीयर करंट फ्लो किया जाए तो क्या होगा, ये जो कील है इसका क्या हाल होगा। मुझे उम्मीद है कि जो कील है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होने वाली है, लेकिन कितना गर्म होने वाली है वही देखने वाली बात है। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 200 एम्प्स का करंट जनरेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इस वेल्डिंग मशीन का। तो इसको जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये जो है 20 से लेकर 200 एम्प्स तक बनाती है। और सबसे पहले इसकी जो पावर है वो ज़ीरो कर लेते हैं। और सबसे पहले तो मैं जो है आपको चेक करके दिखाऊँगा कि ये एक वेल्डिंग मशीन है और क्या जो है ये काम करती है। तो ये है भाई इसका एक साइड का वायर, ये है दूसरा वायर। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि ये जो मशीन है ये वेल्डिंग करती है। अब इस टुकड़े को जो है साइड में रखते हैं और मशीन को भी एक बार बंद कर देते हैं। अब दोस्तों, हमारी जो नेल है उसका एक एंड हम कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, और दूसरा वाला जो है इस मशीन के दूसरे साइड में कनेक्ट करेंगे। और अब हमारी जो मशीन है उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको 0 दिखेगी और मैं जो है धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ। मैंने कर दिया है 200। आप देखिए वैल्यू जो है 201 एम्पीयर्स है। और आप अगर कील को देखेंगे तो इसका कलर चेंज हो रहा है। और भाई साहब, आप जो है देख सकते हैं जो कील है वो एकदम रेड हॉट हो गई है, पिघल गई है और अलग हो गई है हमारी जो है। जल्दी से इन के अंदर से इसको हटा लेते हैं। और आप देखिए कि क्या होता है जब 200 एम्पीयर्स करंट फ्लो होता है नेल के अंदर से, ये जो है गर्म हुई, एकदम लाल हुई और उसके बाद में पिघल करके टूट गई। तो भाई एक बार फिर से इस चीज़ को ट्राई करके आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर जो है हम इन दोनों हिस्सों को एज ए होल्डर यूज़ कर रहे हैं और इसको भी जो है यहाँ पर अटैच कर देते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं हमने दूसरी कील को भी लगा दिया है और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 3, 2, 1, go। पावर जो है स्ट्रेट टू 200 और देखते हैं कितना टाइम इस बार लगता है इसके अंदर। अभी तक जो है नॉर्मल कील दिख रही है और आप देखिए कलर जो है ब्लैकन हो जाता है क्योंकि गर्म हो रहा है लोहा। और अब हो गया भाई रेड हॉट एकदम। यहाँ से मैं इसको हटाना चाहूँगा इस बार, मैं नहीं चाहता कि ये जो है टूट जाए। और आप लोग देखिए यार, जो पूरी कील है उसका क्या हाल हुआ था, एकदम रेड हो गई थी। एक बार मैं फिर से आपको करके दिखाना चाहूँगा यही चीज़। मशीन को मैंने बंद कर दिया है और इस बार जो है कोशिश करूँगा एकदम लाल जो कील है उसको बाहर निकालने की। फिर से स्टार्ट करते हैं, फुल पे है और जो कील है वो होने वाली है एकदम रेड। और यार लगभग 20-25 सेकंड के अंदर ही हो जाता है काम इसका। और आप देखिएगा लाल हो जाती है एकदम, मशीन बंद, नो करंट। और इसको जो है इस टाइम मोड़ना भी आप देखिए कितना ज़्यादा आसान है। मैंने इसको इतना इजीली मोड़ दिया बिना किसी फोर्स के, क्योंकि ये जो है काफ़ी गर्म है। दोस्तों, एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं और इस बार जो है मैं इसको हटाऊंगा नहीं फर्स्ट टाइम की तरह, और उम्मीद है कि ये जो है पिघल करके टूट जाएगी बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पर मैंने इसको अटैच कर दिया है और मैं मशीन को चालू करता हूँ। 200 एम्पीयर इसमें करंट है, 200 से ज़्यादा, 201 ही है। तो अब जो हमारी नेल है वो आप देखिए ब्लैकन होने लगी है, शाइनिंग कर रही है और अब जा कर के थोड़ा थोड़ा रेड होने लगी है। आप देख ही सकते हो एकदम ग्लोइंग रेड हो चुकी है और अब जो है टूट सकती है कभी भी पिघल करके। और भाई आपने देखा कि जो कील है वो यार देखो किस तरीके से पिघल रही है। जल्दी से इनमें से निकाल लेते हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि हमारी जो नेल्स हैं वो किस तरीके से पिघल के टूट जाती हैं, कितनी आसानी से मुड़ जाती हैं जब इनके अंदर 200 एम्पीयर्स का करंट फ्लो होता है। तो भाई आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी और भी वीडियोस अच्छी लगेंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो भाई चलो फिर मिलते हैं वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।